नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, मैं हेमंत सिंह एग्री चिकित्सा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों एवं बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रबी का फसल समाप्त होने वाला है। गेहूं, चना इत्यादि सारे फसलों की इस समय कटाई हो रही है, कहीं कहीं पे कटाई हो भी चुकी है। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि किसान भाइयों एवं बहनों क्या करते हैं कि जो रबी का और खरीफ के सीजन के जो बीज का समय होता है, वो बीज के समय में खेत को खाली रखते हैं, यानी कि उसमें कोई भी चीज़ का पैदावार या बुआई नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है किसान भाइयों एवं बहनों कि आपके खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो घटने लगती है, और साथ ही साथ आप कोई उपज नहीं लेते हैं तो उससे आपको कोई फायदा भी नहीं होता है। तो एक बात समझने वाली है किसान भाइयों एवं बहनों कि जब आपका खेत खाली होता है तब उस पर धूप पड़ती है, उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक या जैविक मैटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होकर के आपके वातावरण में चला जाता है, और जो फसल आपके अवशेष बचे हैं यानी कि गेहूं का जो अवशेष बच गया या किसी फसल का, वो भी एक प्रकार से सूख जाता है। तो उसका कोई भी फायदा आपके मिट्टी को नहीं मिलता है, आपके मिट्टी की एक तरीके से उर्वरा शक्ति की हानि ही होती है। तो किसान भाइयों, जो ये बीज का समय है यानी कि जायद, इसको जायद सीजन बोलते हैं, तो कुछ किसान भाई इस जायद सीजन में सब्जियों की खेती भी करते हैं, पर ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो रबी और खरीफ के बीच का जो सीजन जायद है इसमें खेत को खाली छोड़ देते हैं। तो किसान भाइयों, खेत को खाली ना छोड़े, इस समय आप उड़द, मूंग, मक्का की खेती कर सकते हैं। ये कम समय में फसल तैयार होने वाली है, जैसे कि मक्का है, मक्का एक बढ़िया आपके लिए ऑप्शन बन सकता है। मक्का ज़्यादातर 90 से 95 दिनों में तैयार हो जाने वाली फसल है, और आपको बदले में एक मुनाफा भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपके जो फसल है उस फसल में न्यूट्रिशन वैल्यू, उर्वरा शक्ति भी मेंटेन रहेगी। किसान भाइयों, अगर किसी कारणवश आप मक्का नहीं भी लगा सकते तो आप आच्छादन फसलें लगाएं। आच्छादन फसलें यानी कि कवर क्रॉप, अंग्रेजी में उसको कवर क्रॉप बोलते हैं। कवर क्रॉप में जैसे मूंग है, ढैचा है या सनई है। किसान भाइयों एवं बहनों, जो मूंग, ढैचा या सनई है, ये क्या है, एक तरीके से दलहनी फसल है। ये आपके जो वातावरण है, वातावरण से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और आपके मिट्टी में ला करके उसको छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, आपके मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। जो ढैचा है, सनई है, ये जब मिट्टी में दबा दिया जाता है, जब ये सड़ जाता है, सड़ने के बाद दबा दिया जाता है, ये एक तरीके से हरी खाद का काम करता है। आपके जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो जैविक तत्व है, उसको बढ़ाता है। इससे क्या होता है, आपके मिट्टी के अंदर सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन, यानी कि मिट्टी जो जैविक कार्बन है वो आपके मिट्टी के अंदर बढ़ता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो किसान भाइयों एवं बहनों, इस बार ध्यान रखें कि रबी के बाद जो ये समय है, इस समय आप कवर क्रॉप या फिर आच्छादन फसलों की बुवाई जरूर करें, या फिर मक्का, उड़द, मूंग जैसे फसल की बुवाई करें, जिससे आपको लाभ भी होगा और साथ ही साथ आपके मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहेगी।